नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान एक उदार का थैला है एक ट्रिक के माध्यम से। तो आइए चर्चा करते हैं। एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और भारत की तरफ से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुपचाप सुन रहे थे और ये बातें दो व्यक्तियों के बीच में हो रही थी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं ब्रिटेन, पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता ली गई है। मैं अमेरिका, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार लिया गया है। मैं जर्मनी, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है। मैं फ्रांस, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, तो तुम सब जानते ही हो कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। मैं कनाडा, तुम लोग को जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं तो शक्ति का बंटवारा करके ही अपनी सुरक्षा करूंगा। राज्यों में शक्ति का विभाजन कनाडा से ग्रहण किया गया है। मैं आयरलैंड, अरे यार तुम लोगों की नीति निदेशक तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यानी कि नीति निदेशक तत्व का जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। मैं ऑस्ट्रेलिया, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर प्रथम पर रहा हूँ, इसलिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैं दक्षिण अफ्रीका, मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक क्रिकेट के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मैं रूस, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। सभी देशों के सुनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बड़े ही आराम से उन्होंने कहा कि इंडिया कुछ ऐसा करता है कि दुनिया याद रखती है, तो ये लो, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। तो देखा ना, हो गया आसानी से याद। उम्मीद है कि आप सभी इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू सो मच। और